गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो भाई और खूब इंजॉय कर रहे हो, सबकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, तो भाई अभी हम लोग हैं सिविल लाइन्स में और यार सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ भाई कि अब धीरे धीरे ना इस चैनल पे फिर से आप लोग जो प्यार दिखा रहे हो भाई उसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी पिछली दो वीडियो भाई कंपैरेटिवली जो व्यूज़ गिर गए थे अभी कुछ दिन पहले तक वो वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा है भाई कि रोज़ वीडियो डालने से देखो फ़र्क तो पड़ ही रहा है, बट यार एक होता नहीं ना, पहली बात तो यहाँ पे कंटेंट आपको पता है ढूंढना। अगर मैं रोज़ रोज़ गाड़ी दिखाऊंगा उसमें भी इवेंचुअली अब पहले में तो बहुत व्यूज़ बूस्ट होंगे, उसके बाद आप लोग एक ना एक दिन बोर हो जाओगे वो भी देख के। ये तो सिर्फ गाड़ी दिखाता है, ये एक व्लॉगिंग चैनल है तो मेन फोकस व्लॉगिंग पे होना है। गाड़ियाँ तो मतलब यार गाड़ी तो व्लॉग में वैसे ही दिखती रहती है आप लोग को। ठीक है, तो मतलब सब कुछ दिखेगा भाई, और देखो जो दिखाना है वो अच्छा दिखाना है, अगर अच्छा नहीं दिखाना है तो एंटरटेनमेंट दिखाना है भाई, दो ही चीज़ दिखा सकते हैं, तीसरा कुछ दिखाने को यहाँ है नहीं। ठीक है, तो जब कुछ अच्छा नहीं है तो फिर एंटरटेन करने की कोशिश रहती है आप लोग को, जब एंटरटेनमेंट नहीं रहता तो सोचते कुछ दिखा दें भाई इन्फॉर्मेटिव। ठीक है भाई, तो अभी खड़े हैं भाई आओ जी हरियाणा ढाबा के बाहर, और अभी अभी भाई यहाँ से कुछ खा पी के बस चल रहे हैं अपने ऑफिस पे। अभी फिर थोड़ी देर में जब सब आते हैं तब भाई मिलते हैं आप लोग से। तो भाई अभी यहाँ नीचे एक लड़का मिल गया, कह रहा है भाई मुझे अपने फॉर्च्यूनर बेच दीजिए। मैंने कहा 50 लाख रुपए दे दे, कह रहा है दे दूंगा भाई आपकी गाड़ी के लिए। मैंने कहा भाई मुझे बेचनी ही नहीं है। ठीक है, फिर इतने में भाई खड़ा था कि भाई मैं मुझसे ले लो फॉर्च्यूनर, 50 लाख नहीं सिर्फ 10 लाख रुपए में भाई ले जाओ भाई। इंटीरियर देख रहे हो पूरा? हाँ, जाम लगा गया पीछे? पीछे जाम तो नहीं लगना चाहिए, कोई आया होगा अगल बगल। कोई बात नहीं भाई, 2 मिनट आगे चल से बात करते हैं, इन लोग को निकल जाने दो बेचारों को। तो गाइस अभी आ चुके हैं गन्ने का रस पीने और नहीं मिल रहा है, ये एकदम प्योर रहेगा कि शुगर मिक्स्ड रहेगा? बस भाई एकदम प्योर मिल गया है, प्योर गन्ने का रस पीना है। तुमको कौन सा रस पीना है? नहीं भाई गन्ने का रस ही पीना है। इसी बोतल में तुम सोचते हो कुछ और पिए ना? हम नहीं भाई, क्या मतलब इतना एडवर्टाइजमेंट करवा दी यहाँ, एक नीचे लगा दे फॉर्च्यूनर फॉर सेल इन 10 लाख्स ओनली। अरे यार ये तो फॉर्च्यूनर भाई नहीं बिक रही है ना। नो नहीं, अब मेरे चैनल पे बोले देना पड़ेगा अगर कोई सब्सक्राइबर लेगा तो, और 10 ही में देना पड़ेगा। चलो अच्छा चलो अब अपनी चैनल की बात है तो उससे भी भाई कम कर देंगे, और बताओ। अब चैनल की बात देखो, अभी बात ही नहीं होगी इस बारे में। आप नहीं बात होगी इस बारे में, लेकिन उससे जितना रेट है उससे भी कम हो जाएगा। अब बाकी भाई मेरी गाड़ी पे जाने लोग पीछे पड़ गए, अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग को? मेरी गाड़ी सुकून से खड़ी है वहाँ पे, उसको भाई खड़ी रहने, हम लोग घूमने के लिए और किसी के लिए नहीं। बस भाई बने गन्ने का रस उस पिए, रसीला मौसम भी हो रहा है एकदम इस भी लाइन में इस समय। अबे ये क्या है यार, क्या हुआ यही वाले में फील लेना है क्या पीते हुए? देखो इसी में यहीं पे भर के नीचे बंद करके, कितना आदमी के ऊपर डिपेंड होता है कितनी रंगदारी मांगी जाएगी बंद करके, है ना? चिल्ड भी रहेगा ना इसके अंदर, बर्फ बर्फ जाती कि नहीं जाती है? जो भी अंदर पिएगा वो भी चाहिए। कोको एक्सप्रेस प्लस यही खरीद ले भाई, क्या यहाँ से दिल्ली सिर्फ 1000 रुपए में यही खरीद ले क्या? इसमें फॉर्च्यूनर की डिग्गी में लाल लेंगे 1000 रुपए टेल बच जाएगी, इसको लेके जाएंगे इसमें फॉर्च्यूनर अटैक यही खरीद ले क्या? दैट वुड बी आवर घाटे का सौदा हो जाएगा। देखो भाई माहौल लो, या कार्निवल का माहौल दिखा। ये क्या है भैया? ये काला नमक है, मेरे में मत डालिएगा ये काला नमक। एक में काला नमक और ले आओ, गन्ने और ले आओ। देख रहे भाई ये गन्ने के ऊपर प्लास्टिक बना दिया है। अक्षम देख रहे हो बॉटल, कलाकारी वेरी नाइस कलाकारी। जाओ आइसक्रीम भी खा लो, आइसक्रीम हाँ खाते खाते क्या होता कुछ और अच्छा खाने को मिल जाए वहाँ। वॉफल वॉफल उसको मस्त चीजें पसंद है। आई नो ब्लॉग पे रिप्लाईज हो रहे हैं भाई, उसको मस्त चीजें पसंद है कि सिस्टम है वो? देखो मस्त उधर एकदम। अबे वो क्या है मोमोज भाई? मोमोज मस्त नहीं रहते हैं भाई?
अब लग रहा है बारिश हो गया है। सरदार जी वो कैपिटल लेटर वाले ये फाइनली अपना भी आ गया। बड़ा ठंडा लग रहा है यार पकड़ने में। ठंडा रहता है क्या गन्ने का रस? और क्या? नाइस एकदम बढ़िया चेंज। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका भाई कोई शक नहीं कर सकता, ये गन्ने का रस ही है भाई। आप लोग के आगे ही निकला है। देखो मेरे ब्लॉग का जो थंबनेल देखा ना आप खींच रहे हैं, देखो भाई थंबनेल खींच रहा है। तो गाइज गुड मॉर्निंग, और आप लोग सोच रहे होगे कि अब बीच वीडियो में ये कहाँ से गुड मॉर्निंग हो गई, तो भाई क्योंकि गुड नाइट हो गई थी कल, इसीलिए अब गुड मॉर्निंग हो गई है, ठीक है। एंड सम पीपल ऑफ द सिटी आर बिहाइंड सेलिंग माय कार, आई डोंट नो व्हाई। नो आई एम नॉट सेलिंग योर कार मैन। बोल नहीं रहे थे अभी 50 लाख में बिकवा रहे हो गाड़ी? नहीं भाई 55 लाख में बिकवा रहे हैं। 55 लाख भाई, 5-6 लाख ऊपर रेट लग जा रहा है, इतने की गाड़ी ही नहीं है, है ना। खैर कोई बात नहीं भाई, अभी हम लोग आए एक जगह काम से थोड़ा, फिर जैसे ही यहाँ से निकलते हैं उसके बाद कुछ अगर एक्साइटिंग होता है तो दिखाते हैं आपको। फिलहाल भाई ज़िंदगी बहुत बोरिंग चल रही है फिलहाल। तो गाइस रात के भी बज रहे हैं 11 और देखो हो रही है वॉकिंग। आर यू फीलिंग गुड? यस ब्रो। तो भाई ऐसे ही पैदल चल रहे हैं आज, है ना, गाड़ी वाड़ी खड़ी करके, क्योंकि भाई वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। इट्स गुड फॉर हेल्थ ब्रो, दैट्स व्हाई। मजाक कर रहे हैं भाई, गाड़ी में तेल खत्म हो गया इसलिए पैदल जा रहे हैं, अब जहाँ जाना है। क्या भाई? यस ब्रो। जा रहे हैं टंकी खरीदने अभी भाई, हॉट स्टफ के बजाय। नो दैट डिफेंडर वन, यू आर गोइंग टू बाय इट रियली सून। भाई देखो अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, अभी बस ऐसे ही मन भाई देखो मेरा मन बड़ा डगमगा रहा है भाई। अच्छा ये बताओ डिफेंडर ज्यादा अच्छी लगती है कि GLS? GLS भाई ऑब्वियसली यार डिफेंडर, लेकिन लोंडो को पसंद डिफेंडर ही है पता है। लोंडो को तो डिफेंडर ही पसंद है। अब भाई ये पता है जो मिथ चल रही है ना, बहुत से लोग भाई मुझको DM कर रहे हैं कि भाई मार्केट में हवा उड़ी है कि आपने अपनी फॉर्चुनर बेच रहे हो और ऐसी कोई बात है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी ले लूँगा, ये गाड़ी हमेशा मेरे पास रहेगी पहली बात, क्योंकि मेरे दिल की स्पेसिफिकली ये वाली गाड़ी बहुत करीब है। इससे मैंने अपना YouTube करियर स्टार्ट किया, अगर मैं करूँगा भी तो इसी को इसी से अपग्रेड करूँगा, निकालूंगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो अब आप लोग के मन में भाई जैसा कि अभी ये आके बोल रहा था कि डिफेंडर वाला, तो भाई डिफेंडर देखो भाई ऑनेस्टली मैं बताऊँ मुझको उतनी गाड़ी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात भाई बहुत महंगी, जिस तरह की उसकी प्राइस है ना इतनी महंगी है, उस तरह की भाई ना तो उसमें आपका इंटीरियर है। बाहर से भाई किसी को शो ऑफ करने के लिए दिखाने के लिए लेने की क्या ज़रूरत है भाई? देखो अपने को वो चीज़ पसंद है ना जो कि वैल्यू दे खरीदने के बाद, कि हम उसको घिसे पिटे। भाई लैंड रोवर कितनी भी मतलब मजबूती भाई डिफेंडर को कह दो कि बहुत मजबूत है, बहुत ये बहुत वो, भाई एक गड्ढे में ना तेज़ी से वो सब गाड़ी कूद जाए ना, कैसे बिलाते हैं मैंने देखे हैं, मेरे दोस्तों के पास है मैंने देखा है कि किस तरह से भाई फिर वो फाड़ती हैं, है ना। तो अपने को वो चीज़ चाहिए भाई जो रगेड हो। तो मेरा मतलब मन मर्सिडीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि मर्सिडीज़ भाई एक रगेड ब्रांड है। मतलब इंडियन देखो आप कभी भी देखोगे ना, मर्सिडीज़ आदमी खरीदता है उसको बहुत साल चला के तब बेचता है, ये सब खरीदता है 3 साल के अंदर गाड़ियाँ रोने लगती। मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ भाई, बहुत से लोग होते हैं 2-3 साल में बेच देते, लेकिन अपने को वो चीज़ जो ट्रिप का भी पर्पज़ पूरा करे हर चीज़ का। अभी तो भाई खैर प्लानिंग ही हो रही है, मेरा बस ये क्लियर करना था भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं फॉर्चुनर बेच वेच नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो जो वाइट वाली फॉर्चुनर अर्नब पांडे ब्लॉग्स वाली भाई, वो गाड़ी बिक रही है, तो अगर आप लोग वो लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उसके, या फिर मेरे भी, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।